हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्तिज ब्लॉग। और मैं हूँ तृप्ति। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी जिसका नाम है बाटा माछर झोल, विच इज सुपर डिलीशियस एंड लव बाय ओडियास एंड बेंगोलिश। तो आशा करती हूँ कि ये फिश करी आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, एंड आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं बाटा फिश करी, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये हमने बाटा फिश लिया है और मैंने इसको मार्केट से अच्छे से साफ करके लाया है, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से। और एक कमेंट आया था कि सूखा झुरिया ने जो सूखा फिश होता है उसका रेसिपी अपलोड करने के लिए, तो उस वो मतलब अभी नहीं मिल पाया, तो मैंने ये फिश लेके आई हूँ। अगर वो मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसका भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा नमक। और इन तीनों को हम अभी अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज नहीं खाती हूँ, पर ये मैंने अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ, उनको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रेसिपी मेरी सिस्टर का है, उन्होंने मुझे गाइड किया है तो मैंने ये बनाया है, और मम्मी बोल रही थी बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि कमेंट करके ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे, तो ये मैंने ऑयल लिया है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते वक्त ध्यान से एक एक मछली को ऑयल में आप लोग छोड़ें, और ध्यान रहे वो आपके ऊपर ऑयल छिड़क सकता है, तो आराम से आप ध्यान से फ्राई करें इसको। सो देखिए, ये मछली जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। सो अभी हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम सारे मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई हो गया है, तो अभी ग्रेवी के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिया है मैंने बता दूं आपको, तो ये मैंने लिया है 1/4 चम्मच कलौंजी, 3 बड़े टमाटर और 4 सूखी लाल मिर्च, और ये है मस्टर्ड पेस्ट, तो इसमें मैंने ऐड किया है 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड सीड, 1 बड़े चम्मच जीरा, 1 इंच जिंजर एंड 8-10 लहसुन की कलियाँ, और मैंने उनको पेस्ट बना लिया है। तो ये स्पेशली हम मस्टर्ड पेस्ट से ही बनाएंगे, और जिस ऑयल में आप लोग फ्राई किए थे उसी ऑयल में ही ये करी बनाए, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसमें ऐड कर रहे हैं सूखी लाल मिर्च और कलौंजी, और इनको थोड़ा भून लेंगे हम। कलौंजी से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो मस्टर्ड पेस्ट हमने बना के रेडी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मस्टर्ड पेस्ट को ज़्यादा देर नहीं भूनना है, ज़्यादा देर भूनने से वो कड़वा हो जाता है, तो हम इसको 2 मिनट तक ही भूनेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा नमक, इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा सा ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद है आप लोग ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस सब्जी में ऑनियन डालना से अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग ऑनियन डाल देते हैं, तो आप लोग ऑनियन इसमें ना ऐड करें। और आप लोग इसी प्रोसेस से रुई फिश जो होता है उसका भी सेम प्रोसेस से आप रुई फिश को भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर काट के रखा था, और फिर हम इसको अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे। और टमाटर को गलने तक हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए, हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल गया है।
सो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स इसमें आप जितना आपके हिसाब से ग्रेवी बनाना चाहेंगे उतने हिसाब से आप पानी डालें, पर ये जो करी है ये थोड़ा ग्रेवी रहने से ही बहुत अच्छा लगता है। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम ग्रेवी को उबलने देते हैं। सो ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फिश फ्राई करके रखा हुआ है। इसमें हमने सारे फिश अच्छे से डाल दिए हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा ग्रेवी में डिप कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, फिर ये जो सब्जी है वो पूरा रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप इसे प्लेन राइस और सैलेड के साथ ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम इसको 2 मिनट के लिए उबालेंगे। सो फ्रेंड्स इसमें अभी उबाल आ गया है और 2 मिनट हो गया, ये फिश करी बनके पूरा रेडी हो गया। तो चलिए अभी इसको हम सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये आज का रेसिपी बाटा माछोर झोल आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।